अब खबर भारत पाकिस्तान के बीच मौजूद लाइन ऑफ कंट्रोल से, जहां पिछले 100 दिनों से अमन है। पाकिस्तान को क्या है भारत का संदेश और क्या है भारत की तैयारी, जानिए। सालों से घाटी की फिजाओं में उड़ रहे बारूद, वादियों में गोलीबारी की आवाज और सीमा से सटे गांवों में हर पल मौत का डर फिलहाल थम गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कम से कम पिछले 100 दिनों का अपडेट यही है। इस साल 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के सेना के बीच हुई बातचीत में 2003 में सीज फायर समझौते को दोहराने की सहमति बनी, जिस पर अब तक अमल भी हो रहा है। लेकिन कल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने साफ किया कि स्थिति सामान्य रहे इसके लिए पाकिस्तान की सही नियत जरूरी है। सीज फायर एज ऑफ नाउ इज होल्डिंग एंड द रिस्पांसिबिलिटी आई वुड से द ओनस ऑफ मेकिंग श्योर दैट द सीज फायर होल्ड्स इज स्क्वेयरली ऑन पाकिस्तान। वी आर विलिंग to observe the ceasefire as long as they do so. दरअसल सीज़फ़ायर के 100 दिन पूरे होने के मौके पर सेना प्रमुख 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। सेना प्रमुख ने सीज़फ़ायर के साथ सेना की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। Ceasefire is on. The other activities that they are indulging in, that is the terror infrastructure which is there on the other side of the LC, the terrorist camps. The terrorists, and that continues, and therefore there can be no slackening as far as we are concerned in our levels of preparedness or alertness. सीज फायर समझौते के बीच भारत अलर्ट मोड में है, तो उसके पीछे की वजह है पाकिस्तान का इतिहास। साल 2021 में 28 जनवरी तक पाकिस्तान ने 299 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। 2020 में 5133 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ और भारत के 24 जवान शहीद हुए। 2019 में 3479 बार पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा और भारत के 19 जवान शहीद हुए। इस बार भले सीज फायर के 100 दिन सफल हो गए हो, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसे का इतिहास इतना दागदार है कि भारत सावधानी से कदम रख रहा है। तो LOC पर 100 दिनों से शांति, और हम उम्मीद यही करते हैं कि आगे भी शांति इसी तरह से बनी रहे। ABP News आपको रखे आगे।